नमस्ते दोस्तों, श्री गणेश भोग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बची हुई खिचड़ी के टेस्टी परांठे। ये परांठे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं खिचड़ी के परांठे बनाना। मैंने एक परात में बची हुई खिचड़ी डाल दी है और इसमें मैंने डाल दी है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच आमचूर पाउडर। और अब हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा और इसे हम अच्छे से लगा लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं, उसी तरह से हम खिचड़ी में आटा लगा लेंगे। आटे में हम पानी नहीं डालेंगे, जितनी खिचड़ी है उसी में हम आटा लगाएंगे। तो थोड़ा मुझे गीला लग रहा है और मैंने इसमें थोड़ा सा आटा और डाल दिया है, क्योंकि हम इसमें पानी डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। तो इसी को हम अच्छे से गोंथ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने आटा लगा लिया है, आटा लग के तैयार है। इसमें हमने डाला है थोड़ा सा घी, घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हो। और फिर से हम थोड़ा सा इसे गोंद लेंगे। तो आटे को हम करीबन 10 मिनट तक रेस्ट के लिए रख देंगे, जिससे हमारे परांठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैंने आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था और अब मैंने एक लोई बना ली है और इसको हम रोटी के आकार का बेल लेंगे। तो मैंने रोटी के आकार का बेल लिया है। अब हम इसमें घी लगा देंगे। आप घी या तेल कुछ भी लगा सकते हो। और इस तरह से मैंने फोल्ड करके फिर से हम इसे बेल लेंगे। अगर आप सीधा बनाना चाहो तो रोटी के आकार का सीधा बना के आप उसे सेक सकते हो। इस तरीके से बनाने से परांठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो तवा गर्म हो चुका है और मैंने इस पे परांठा डाल दिया है। तो अब हम परांठे को सेक लेते हैं। हम पराठे को फोल्ड करके बनाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि ये खिचड़ी के पराठे हैं। इतने टेस्टी बनते हैं ये पराठे। और हमने साइड में इसे घी लगा दिया है, ऊपर भी हम इस तरह से घी लगा देंगे और इसको पलटते हुए इस तरह से सेक लेंगे। थोड़ी जगह सूखा लग रहा है, उस जगह पे भी हम घी लगा देंगे और इस तरीके से दबाते हुए हम इसे सेक लेंगे। तो हम इसे दबाते हुए 2-3 बार उलटते पलटते सेक लेंगे। ये परांठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप एक बार इसे बना लोगे तो आप बची हुई खिचड़ी को कभी भी नहीं गिराओगे। इस तरीके से परांठे बनाओगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये परांठे। तो फ्रेंड्स, हमारे परांठे तैयार है, बहुत ही अच्छे परांठे बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आप अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।